शो। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम वैद्यनाथ मंदिर देवघर में आए हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए वैद्यनाथ मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है, इस कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक सिद्ध पीठ है, इस कारण लोग इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष श्रावण के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर के लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं। स्थापना का इतिहास यह भी है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10ों सिर ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने का आज्ञा मांगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। अंत तो गत्वा वही हुआ, रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लघु शंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस लिंग को एक व्यक्ति को थमा लघुशंका निवृत्ति करने के लिए चला गया। इधर उस व्यक्ति ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर उसे न उखाड़ सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को वहीं के वहीं स्थान पर प्रतिष्ठापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को चले गए। जनश्रुति व लोक मान्यता के अनुसार यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वैद्यनाथ मंदिर में अंदर कैमरा रिकॉर्ड करना, ये थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसके कारण आपको अंदर का तो दृश्य दिखा नहीं सकते हैं। बट ये है कि आपको उसका फ़ोटो ज़रूर दिखाएंगे। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आप हैं तो प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और भाई का अपना चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।
जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर भगवान का साक्षात दर्शन, जो कि दूध से जला अभिषेक और